सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। बेवजह यूँ खामोश होकर बैठा है, न जाने कौन सा अफसोस लेकर बैठा है। ख्वाहिशों की पतंग को थोड़ी ढील दे, अपने ख्वाबों के उड़ान को नई मोड़ दे। कुछ यूं मैं सुबह लेकर खड़ा रहा रात की चौखट पर, मानो कलेजे निकाल के रख दिया हो उनकी एक आहट पर। आजकल आवाजों में तो हर किसी की ताकत होती है, आप अपने विचारों को भी थोड़ी ताकत दो। टूटे को बनाना और रूठे को मनाना, जिसे आता है वो खुद में सफल होता है। आज का पंचांग 17 नवंबर 2021 दिन बुधवार, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी तिथि, सुबह 9:50 तक रहेगी। इसके उपरांत चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अश्विनी नामक नक्षत्र रात्रि 10:43 तक रहेगी। इसके उपरांत भरणी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:11 से 1:33 तक रहेगा। आज का कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। आज चंद्रमा मेष राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य वृश्चिक राशि पर रहेंगे। धनुराशि 17 नवंबर 2021 दिन बुधवार, आज के दिन मौज मस्ती के नाम रहेगा। आज सगे संबंधियों से मुलाकात हो सकती है, फोन या मेल के द्वारा भी संपर्क हो सकता है। वर्तमान समय अपनी सामाजिक कौशलों को निखारने तथा आने वाली पार्टियों के लिए खुद को तैयार करने का बिल्कुल सही समय है। दिन के आगे बढ़ने के साथ साथ वित्तीय समस्या अपने आप दूर होती जाएगी। पुराने गलतियों से सीखकर आज आप कुछ बेहतरीन नीतियों पर विचार करेंगे और स्वयं को बेहतर स्थिति में महसूस भी करेंगे। पुराने मित्रों के साथ मेलजोल तथा विचार विमर्श आपके आत्मविश्वास को और अधिक बढ़ाएगा। काम से संबंधित बातें और अपने प्रयत्नों पर विश्वास रखेंगे तो कठिन परिस्थितियां काबू की जा सकती है। जिस प्रकार के प्रयत्न आप करेंगे उसी प्रकार का फल प्राप्त होगा। प्रयत्न जारी रखें और खुद के विकास पर ध्यान दें। काम से जुड़ी नई बातों को सीखने के लिए आप खुद प्रयत्न बढ़ाएं। अगर पार्टनर किसी बात में आपको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं तो वह बात आपके सामने आएगी। हीमोग्लोबिन की जांच करवाने की आवश्यकता होगी। मकान शहजाद संबंधित कोई बकाया काम कराना चाहते हैं तो कर लीजिए। कोशिश कीजिए कि लोगों के साथ व्यर्थ में ना उलझें, गर्दन का दर्द दुखी कर सकता है। सावधानियां, इस समय अपने संबंधियों के साथ किसी भी प्रकार के झमेले में ना पड़े तथा अपने स्वयं के कार्यों पर ही ध्यान केंद्रित रखें। युवा वर्ग आज कुछ तनाव की स्थिति से गुजर सकते हैं। बेहतर होगा कि कुछ सकारात्मक गतिविधियों में समय व्यतीत करें। बात करते हैं लव लाइफ की। पति पत्नी के बीच घर के किसी मुद्दे को लेकर गंभीर विचार विमर्श होगा, समस्या का उचित समाधान भी मिलेगा। ग्रहों की स्थिति दर्शाती है कि आपके रास्ते में कोई बड़ी बाधा आने वाली है। इससे आपकी लव लाइफ और करियर दोनों ही प्रभावित होंगे। इस समय जरूरी है कि आप अपने पार्टनर की बातों और शब्दों पर भावनात्मक प्रतिक्रियाएं ना दें। इसके स्थान पर उनके हर भाव गंभीरता को निष्पक्ष होकर जांचें। इससे आपको सही फैसले लेने में भी मदद मिलेगी। बात करते हैं करियर की। आज बड़ी और छोटी सफलताएं आपके कार्य क्षेत्र में दस्तक दे रही है। आपके द्वारा एक समय में प्रयास की गई सेवाओं के लिए आपको कुछ भुगतान प्राप्त हो सकता है या आपको एक अप्रत्याशित बोनस मिल सकता है। एक लंबे समय से जो पदोन्नति अटकी हुई थी वह आपको मिल सकती है या आपका पद ऊंचा हो सकता है और अलग से एक केबिन आपको मिल सकता है। बेरोजगार युवक या वे लोग जो अपनी मौजूदा नौकरी छोड़ना चाहते थे उनके लिए भी आज शुभ संदेश मिल सकता है। व्यवसाय संबंधित नई तकनीकी जानकारी हासिल होगी, इससे आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। कोई नजदीकी यात्रा भी करनी पड़ सकती है परंतु यह यात्रा आपके लिए लाभदायक रहेगी।
परंतु अपने विरोधियों की गतिविधियों को नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। बात करते हैं सेहत की। ब्लड प्रेशर तथा हार्ट प्रेशर सर्दी के मौसम में अपना विशेष ध्यान रखें, थोड़ी सी सावधानी उन्हें स्वस्थ रखेगी। आपके सर वीकेंड का जादू चढ़ा हुआ है, आप चलता के मूड में भी हैं। तनाव रहित महसूस करना अच्छी बात है, लेकिन सावधानी भी उतनी ही आवश्यक है। अति ना करें, आनंद ले, परंतु यह भी ध्यान रखें कि आने वाला दिन आपके लिए काम के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपका स्वस्थ रहना काफ़ी आवश्यक है। आज का उपाय, आज अब गणेश भगवान जी को मोदक का भोग लगाएं, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।